कस्टमर काम ऑपरेटर्स तावील में ले गई हैं इस मुसाफिरों को उतार कर मुसाफिरों कोचेस को जिनमें ऐशा खुर्दनोश बिस्कुट वगैरह थी कस्टम मुकाम के हवाले किया गया जो कहीं दिनों से अब तक कस्टम की तावील में है जिससे ट्रांसपोर्टरों और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता कई लोग के रोजगार रहे हैं जबकि क्वेटा तफ्तान नेशनल हाईवे क्वेटा नाग बंजगू हाईवे और क्वेटा कराची नेशनल हाईवे और क्वेटा सिब्बी जेकोबाद और बलूचिस्तान के इसके अलावा जो लुलाई चमन शीन के हाईवे से इंटरसमलिंग के नाम पर कायम की जगह जगह चेक पोस्टों कायम करके एक रूट के ट्रांसपोर्ट मुसाफिर बस को इनकी दौरानिया सफर में ये इसी नेशनल हाईवे पर ही बार बार रोके जाने का सिलसिला अरसे दराज से जारी है। हम एंटी स्मगलिंग और इंसान दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं हैं। तंकीद बराए तामीर की बिना पर ये तजावीज अरसे दराज से देते आ रहे हैं कि नेशनल हाईवेज पर अमन और अमान कायम करने के लिए जो पुलिस और दीगर मुतल्लिका फोर्स के मोबाइल गश्तें बढ़ाई जाएँ अमन अमान के नाम से मुसाफिर कोचेस को जगह जगह रोका ना जाए और इतनी स्मगलिंग के बॉर्डर पॉइंट पर जीरो पॉइंट पर ही किया जाए। अगर कोई स्मगलर जीरो पॉइंट से बच कर नेशनल हाईवे पर आता है तो उसका ताकुब किया जाए। इसकी आड़ में मुस्तकिल नेशनल हाईवे पर बजाय एक पॉइंट पर इसके दौरानिया सफ़र में सिर्फ एक ही बार चेक करे। अब जबकि बार बार तमाम चेक पोस्टों पर कड़ा किया जाता है ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट को दरपेश मसाइल एन एच ए की नाकिस करदगी मोटरवे पुलिस की बेजा तंग करना मोटरवे पुलिस व बलूचिस्तान मोटरवे से न होने की वजह बावजूद अपने रूल्स लागू किए हुए हैं जो कि नामुनासिब इकदाम है। पहले मोटरवे फराम किया जाए फिर मोटरवे रूल्स लागू किए जाए। एक्साइज ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पीटीए हुकाम से मुतालिक ट्रांसपोर्टरों को दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। इसमें कई मसाइल हैं ट्रांसपोर्टरों के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रूट पर चलने वाले गैर कानूनी टूडी पर पाबंदी आयद की जाए चूँकि इस वक्त हाईकोर्ट का ऑर्डर है इलाकों की इंतजामिया से मिली भगत करके जाए बुकिंग लूट जाए सवारी उठाते जो सरासर रूट परमिट याफ्ता बस मिनी बस ट्रांसपोर्ट के साथ ज्यादती है। आला हुकाम इस तरह के मसाइल को मुस्तकिल हल करने के लिए ट्रांसपोर्ट नुमाइंदों और दिगर इंतजामी अफसरान कस्टम हुकाम का मुश्तरका आला सतही मीटिंग वजारत दाखिला में करवाने के लिए आला हुकाम सिफारिश करें। हम अपने मुद्दे बाला तमाम मसाइल से मुतलका हुकाम बाला को बजरिए तहरीरी और ज़बानी वक्तन फ़वक्तन आगाह कर चुके हैं लेकिन ताहाल हमारे साथ कोई हल करने से मुतलक कोई इकदाम नहीं किया गया है जिसकी बिना पर हम ट्रांसपोर्टर मजबूर होकर अपने जायज़ और तामीरी मुतालबात के मनवाने के लिए 20 अगस्त से गैर मुद्दत के लिए पुरअमन जमहूरी एहतजाज पर जा रहे हैं। ऐसे इसका जवाब मैं दे रहा हूँ शॉर्टकट कि सारे बलूचिस्तान के जो ट्रांसपोर्टर है वही जाएगा एहतजाज में सारे ट्रांसपोर्ट हमने एक इसका गाइडलाइन दे कि बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस इसमें बलूचिस्तान के पूरे ट्रांसपोर्टर हैं अब चौकी से लेकर जोब तक सब इसी मसाइल के शिकार हैं। पहिया जाम होगा रोड ब्लॉक होगा नहीं चलेंगे रोड बल्कि ब्लॉक करेंगे। इसमें यह है कि ट्रांसपोर्टर पहले अपनी बसों को रोड के साइड पे खड़ा कर देंगी उसके बाद पहिया जाम कर देंगे। फिलहाल बसों को रोड पे लाने के लिए लाएंगे बसें नहीं चलाएंगे बसें कोई नहीं चलेगा 20 तारीख को नेशनल हाईवे कोलपुर से सिपी तक शाम को 5 बजे सुबह 7 बजे रोड ब्लॉक करते थे कि भाई हम जाने नहीं हालात ख़राब है पहाड़ी इलाका है तो इसके खिलाफ भी हमारे हड़ताल हुए कि भाई नेशनल हाईवे आप बंद नहीं कर सकते हूँ जिम्मेदार है ये आपका लेवीज है एफसी है पुलिस है वगैरह रोड ये नेशनल हाईवे का नाम दिया जाता है मोटरवे पुलिस है लेकिन मोटरवे हमारे पास आई नहीं। अब पिछले दिनों फ्लड आया बोलान में 4 दिनों तक बसें ट्रक छोटी गाड़ियाँ सैलाब में फंसे हुए थे किसी ने पूछा तक नहीं ड्राइवर क्या करेंगे
ड्राइवर हमारे तरबियत है, यही ड्राइवर दुबई में सऊदी अरब में ड्राइवरी कर रहे हैं, यही ड्राइवर है।